पेपर दिया, पेपर के बाद बात हो रही है कि अरे सर हुआ नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जैसे दे ऑलरेडी डिजर्व टू गेट थ्रू, और ना अब उनके साथ इनजस्टिस हुआ है ना, उनके साथ गलत हो गया है कि अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, है ना, बट ऐसा है, पेपर आपका ठीक नहीं हो रहा है उस वजह से, नींद नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा इनजस्टिस हो गया, बट आप डिजर्व करते थे, स्टार्टिंग में ये फीलिंग लेके चलते हैं। देखो यार, अगर तैयारी कर रहे हो ना, सिंपल सी बात है, कुछ एक स्पेसिफिक एग्जाम है ना, और इस एग्जाम की कंडीशनैलिटीज है, ये एग्जाम की कुछ डिमांड्स हैं, आपको ये चाहिए पोस्ट, ठीक है, तो आप पीछे पड़े हो, इनको नहीं ऐसे मतलब जरूरत की ये घर घर ढूंढने आ रहे हैं, है ना, स्पेसिफिकली आप इस पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हो, तो अब अगर हम इस चीज को समझेंगे, जरूरत किसको है, हमको, उनको, उनके पास ऑप्शंस है ना, वी आर इन नीड ना, और उनके पास ऑप्शंस हैं, और ये जितनी भी ऑप्शंस है, इन सब ऑप्शंस में से मेरे को बेस्ट ऑप्शन बनना पड़ेगा, पेपर जैसा मर्जी आए, ठीक है, चाहे मेरे को नींद नहीं आ रही है तो भी मैंने पेपर अच्छे से करना है, चाहे मेरे को कम पढ़ा था फिर भी मैंने पेपर अच्छे से करना है, अगर आप इस अप्रोच से जाओगे तो सिलेक्शन होता है, अगर हम इस अप्रोच से कर रहे हैं ना, कि और वो जो शुरू में ही ना, कि मतलब मैंने यार इतनी किताबें पढ़ ली होगी, याद है, नहीं याद नहीं होगा, लोगों ने करा है, समझ रहे हो ना, तो वो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तुम्हें बनना पड़ेगा ना, चेंजेस आएंगे, इश्यूज होंगे, आपको वो झेलने पड़ेंगे, उस लेवल पे आ जाओ। कल मेरी जैसे काफी बच्चों से बीच में एग्जाम के बाद बात भी हुई थी, कई लोग ऐसे बोल रहे, तो सब यही बात कर रहे हैं कि अभी कैसे क्या, और वो असल में एक ही बात कह रहे हैं कि हम तो डिजर्व करते थे, बट इस बार कुछ गड़बड़ हो गई और हो नहीं रहा है, और दुख मना रहे हैं। अगर आप डिजर्व करते होते हैं ना, या आप उस लेवल पे भी पहुंच चुके हो, तो आपका हो चुका होता, नहीं हुआ है ना, तो कमी है और उसको पूरा करना पड़ेगा, और ये भी कमी है कि अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशन को, तो यू आर नॉट मेच्योर इनफ, पीपल आर मेच्योर, हर बार कुछ ना कुछ डाइसीनेस आ रही है, अगर आप उस डाइसीनेस को नहीं केटर कर पा रहे हो, तो बात बस इतनी है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा कि पेपर चाहे रैंडम कितना भी हो जाए कर लेंगे, अब जैसे हिमाचल है, फैक्चुअल आएगा, फैक्चुअल भी कर लूंगा, है ना, अगर डेप्थ में आता है वो भी कर लूंगा, अगर आप दोनों चीजों के लिए रेडी हो तो ठीक है, फिर जैसा मर्जी पेपर है, हाँ आप दोनों चीजों के लिए रेडी नहीं हो, थोड़ा आप लक पे कर रहे हो, फिर जब लक एक्ट करेगी तो लक आपके फेवर में भी हो सकती है, अगेंस्ट में भी हो सकती है, उसका मतलब क्या, थोड़ी प्रिपरेशन कम थी, तो फिर भगवान के हाथ में, फिर तो फिर जब भगवान कुछ कर रहा है फिर उसको एक्सेप्ट करो, है ना, अदरवाइज तैयारी करो, सिंपल है, जैसे अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बस इसका ध्यान रखना, कोशिश कर रहा हूँ, इंडिविजुअल दुख मनाने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहता है, अभी जैसे प्री नहीं हुआ, एचएएस का प्री नहीं हुआ तो थोड़ा दुख मना लेते हैं, फिर आईएएस का प्री नहीं हुआ तो चलो और दुख मना, थोड़ा टाइम लगता है, बोले वापिस आने में, इस चीज को समझो, सच में अगर किसी को सिलेक्शन लेनी है लॉन्ग टर्म, तो जिन बच्चों का अभी हुआ है ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगले साल, और उनमें से कईयों का मेंस में नहीं होगा, कईयों को इंटरव्यूज में नहीं होगा, वो अगले साल तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इस चीज को ध्यान रखो, तुम्हें भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा कि तुम मेंस लिख रहे हो, तुम इंटरव्यू दे रहे हो, अगर और फिर लगातार फिर प्री के लिए दोबारा से करना पड़ेगा, तब तुम उन लोगों के साथ कम्पीट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, इसको ध्यान रखो, और अभी जो जैसे अचानक से पेपर देके दुखी हो, उनको भी मनाना कि भाई पढ़ ले, है ना, ये जरूरी है, कभी आप परेशान हो कभी दूसरा परेशान हो, बट एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है जी।